प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल वाले घंटे को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सर। दोस्तों से जल्दी लगते हैं तंबाकू की लत। जिस तरह से तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या बढ़ रही है, इसमें 21वीं सदी के 1 बिलियन लोग जान गंवा देंगे। अमेरिका में स्मोकिंग करने वाले 90% लोगों को 18 साल की कम उम्र में ही इसकी लत लग जाती है। ऐसे में स्मोकिंग रोकने के लिए किशोरावस्था के दौरान ही बड़े स्तर पर अभियान चलाने की जरूरत महसूस की जा रही है। जर्नल साइकोलॉजिकल बुलेटिन में प्रकाशित अध्ययन में यह पता चला है कि कोशिश की गई है कि सहकर्मियों या दोस्तों के प्रभाव से किस हद तक लोगों को स्मोकिंग की लत लग जाती है। इसमें बताया गया है कि 10 से 19 साल तक के बच्चों में अपने दोस्त को देखकर स्मोकिंग की लत पकड़ने का अंदेशा दुगना होता है। 16 देशों में शोध के बाद निकला नतीजा। अध्ययन का नेतृत्व कर रहे पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के जियांग लियू ने कहा कि हमने पहले अध्ययन के जरिए इस बात को साबित किया कि दोस्तों का प्रभाव इस लत को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। शोध में यह भी सामने आया कि यूरोप में स्मोकिंग की लत पर दोस्तों का प्रभाव कम, लेकिन एशियाई देशों में अधिक था। इससे यह पता चलता है कि सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की भी इसमें आम भूमिका है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि इस बारे में बेहतर अध्ययन से स्मोकिंग की लत से निपटने के लिए ज़्यादा कारगर रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। हमने देखा है कि जिनके दोस्त स्मोकिंग करते हैं, वैसे लोगों में स्मोकिंग की लत उन लोगों से 4.3 गुना अधिक थी जिनके दोस्त स्मोकिंग नहीं करते। इस अध्ययन में शोधकर्ता ने 16 देशों से आंकड़े इकट्ठा किए। इनमें US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, दक्षिण कोरिया, जॉर्डन, नीदरलैंड और पोलैंड आदि देश शामिल थे।